हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। एंड कैसा आप सब लोग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है शबे मेराज, और शबे मेराज पे हर किसी के यहाँ कुंडे बनते हैं, और आज मेरी मम्मा ने भी कुंडे बनाए हैं। और वो कुंडे हैं तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं, ये पूरी है, ये मीठी टिकियाँ जो मेरी फेवरेट हैं, और ये रबड़ी खीर है, ये भी मेरे फेवरेट है, और ये आलू की तरकारी है, ये भी मेरी फेवरेट है। यानी कि सारी चीज़ें मेरी फेवरेट है। तो अभी मैं आप लोगों को इसको टेस्ट करके दिखाती हूँ। आप लोगों को भी खाने से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जरूर पढ़ लेना चाहिए। बहुत मज़े की है। और ये जो पूरी है ना, इतनी सॉफ्ट और इतनी मज़े की है ना, मुझे तो बहुत ही मज़े की लगी। और तरकारी ना मिर्चे हैं ना कुछ, जैसा मुझे पसंद है ना खाना वैसा ही है। मुझे बहुत अच्छा लगा है ये। और मैं इस रेसिपी को देती हूँ लाइक्स, आप भी इस रेसिपी को दीजिएगा लाइक्स। और अब मैं मीठी टिकिया भी चख लेती हूँ। बहुत मज़े की है ये भी, बहुत मज़े की है, मीठी मीठी सी। और अब मैं खाती हूँ रबड़ी खीर, तो ये मैंने ले ली। गाइस, ये तो बहुत ही मज़े की है, और इस रेसिपी को दूंगी लाइक, यानी ये सारी रेसिपी को दूंगी मैं लाइक। आप लोग भी लाइक दीजिएगा, और आप लोग मुझे कमेंट, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, और मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर बताइएगा कि आप लोगों के घर में आप लोगों की मम्मा ने कुंडे बनाए हैं, तो ये मुझे जरूर बताइएगा। गाइस, तो ये है मेरी ब्यूटीफुल सी ड्रेस, तो मैं आप लोगों को ये ड्रेस दिखाती हूँ। तो ये है मेरी ब्यूटीफुल सी ड्रेस, और ये पूरी रेडीमेड है, और इसका पजामा भी बिल्कुल रेडीमेड है। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन हम लोगों के बच्चों के कमेंट्स बंद हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे जाकर बताइएगा कि आप लोगों को ये ड्रेस कैसी लगी, और मैं कैसी लगी, और ये मेरे कुंडे कैसे लगे। तो गाइस, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि शबे मेराज क्या है, और इसे क्यों मनाते हैं, और इसमें क्या होता है, कुंडे क्यों बनते हैं, तो मैं आप लोगों को ये सब बताती हूँ। सो गाइस, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ शबे मेराज इबादत की रात है, और रोज़ा क्यों रखते हैं, और तो मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताती हूँ। तो जागने की रात है, हम दुआएं मांगते हैं, नफिल पढ़ते हैं, और नमाज़ें पढ़ते हैं, और पूरी रात जागते हैं। दूसरे दिन हम रोज़ा रखते हैं, तो इसका क्या लॉजिक है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो गाइस, हमारे प्यारे नबी यानी कि हुजूर गए थे अल्लाह ताला से मिलने सातवें आसमान पे, मेराज पे। अल्लाह ताला ने उनको मिलने के लिए बुलाया था, तो वो 27 रजब को अल्लाह ताला से मिलने सातवें आसमान पे गए। और आज जो हम नमाज पढ़ते हैं, वो भी हुजूर को मेराज पर मिली। नमाज जो है वो मेराज का तोहफा है, और हुजूर की आंखों की ठंडक है, तो हमें नमाज पढ़नी चाहिए, और नमाज हम पे फ़र्ज भी है, तो इसलिए हम पूरी रात जाग के इबादत करते हैं, दुआएं मांगते हैं, नफिल पढ़ते हैं, और नमाज़ें पढ़ते हैं। तो ये सारी बातें सब लोगों को पता होनी चाहिए, ख़ास तौर पे बच्चों को, क्योंकि मुझे तो ये सारी बातें पता है, और मैंने आपको बताई। अब आप लोग किसी और को बताइएगा, और सवाब कमाइएगा। सो गाइस, इसी के साथ मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली न्यू लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं ऐसे ही आपके साथ बहुत सारे ब्लॉग्स लाती रहूँगी। और इसी के साथ मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।